हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बथुए का पराठा बिल्कुल इजी रेसिपी के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि बथुए का पराठा बड़े और बच्चों के लिए सभी के लिए सेहतमंद होता है और शरीर को निरोग में रखता है। शरीर आपके इससे निरोग रहती है और आपको किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं पकड़ती है। तो बथुए का पराठा बनाने के लिए आपको बथुआ धुल लेना है, धुल करके रफली इसको काट लेना है। 3-4 पानी बथुए को धुल के लीजिएगा और इसको रफली काटने के बाद ग्राइंडिंग जार लीजिए और इसमें हम 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च डाल रहे हैं। हरी मिर्च आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसी के साथ हम लेंगे बथुआ, तो बथुए को हम दबा दबा कर जार में डाल देंगे। और बथुआ डालने के बाद आपको लेना है हरी धनिया। हरी धनिया से क्या होता है, इसमें फ्लेवर काफी अच्छा आता है, महक भी बहुत अच्छी आती है पराठे में, तो हरी धनिया बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। और इसी के साथ हम यहाँ डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे से भी काफी अच्छी खुशबू आ जाती है और स्वाद भी काफी अच्छा आता है। साथ में हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और ढक्कन लगा के पीस लेंगे। पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि बथुए में पहले से ही पानी होता है। तो ये देखिए महीन से एकदम पीस के तैयार है। तब इसे हमें बाउल में पलट लेना है, तो बाउल में पलट लीजिए और पलटने के बाद जार में 2-3 चम्मच पानी डाल के इसको भी आप निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा कोई चीज वेस्ट ना हो। फिर हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे 1 चम्मच छोटे चम्मच से अजवाइन। और इसके बाद हम आटा लेंगे, तो 1 कटोरी हमने अभी आटा लिया है। आटा को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। 1 कटोरी आटा डालने के बाद इसको हाथों की मदद से आप अच्छी तरीके से गुथिए। अगर आटे की जरूरत और पड़ती है तब आप और डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही आटा डालिएगा। तो मैंने दूसरी कटोरी आटा को भी लिया है। तो ये देखिए मैक्सिमम यहाँ पर 2 कटोरी आटा हमारा लग जाएगा, उसी में से हमारा परथन भी बच जाएगा। इसको अच्छी तरीके से आटे को गूंथ लेना है। तो जब आटा आपका लग जाए तो इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल हाथ में लीजिए और चारों तरफ बर्तन में लगा करके आपको आटे को दोबारा से गूंथ लेना है। और गुथने के बाद जो परथन बचा हुआ है कटोरी में उसे पलट लेना है। इसको ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। 10 मिनट बाद आप आटा देखेंगे कि काफी ज्यादा सॉफ्ट दिखने लगा है, एकदम स्मूथ। मतलब हमारा पराठा बनने के लिए आटा तैयार है। तो एक पेड़ा लेंगे और पेड़ा लेकर के इसको हम बेल लेंगे जिस तरीके से रोटी बेली जाती है, लेकिन रोटी से थोड़ा सा छोटा बेलेंगे। अब क्या करना है आपको, एक साइड इसमें तेल लगाना है, एक साइड केवल हाफ में लगाना है, हाफ में नहीं, इधर भी हाफ में लगाना है, हाफ में नहीं। आप इस तरीके से तेल लगाएंगे तो पराठा क्या होगा कि 4 परत में खुल के आएगा। इसी तरीके से दूसरा भी हम बना के तैयार कर लेंगे। ऐसे ही करके दूसरा भी हमने तैयार कर लिया, लेकिन ये हमने 8 परत का पराठा बनाएंगे इसमें हम। तो आपको जितनी परत बनानी है, जितनी लेयर, मतलब परत यानी लेयर, तो उस तरीके से आप बना लीजिए। और फिर इसके बाद परथन लगा के इसको आपको बेल लेना है। तो हल्के हाथों से पराठे को बेलिएगा। तो ये देखिए पराठा हमारा बेल गया है। इसी तरीके से सारा पराठा हम बेल करके तैयार कर लेंगे। तो एक एक पराठा आप साथ में हम सेकते भी रहेंगे। तो तवा गरम होने को पहले चढ़ा दिया था, तवा को मीडियम गरम ही रहने देना है। फिर उस पे पराठे को डालेंगे और जब एक साइड हो जाए तो दूसरी साइड पलट के तेल लगाएंगे उस पे। फिर से पलटेंगे, फिर से तेल लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, तेल लगाने के बाद गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और इसको अपने जो पलटे लिया है, जो चम्मच लिया है, उससे दबा दबा कर सेकना है पराठे को। इससे क्या होता है, पराठे अच्छे से सेक भी जाते हैं और उसमें काफी अच्छा कलर आ जाता है, लुक काफी प्यारा आ जाता है पराठे का। तो दूसरा पराठा भी इसी तरीके से हम सेक लेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से तेल लगाएंगे और पराठा आप देख रहे हैं कि फूल जा रहा है, मतलब कि उसकी लेयर अलग हो चुकी है, आपको पहले ही वो दिख रहा है। इसी तरीके से सारा पराठा आपको बना करके तैयार कर लेना है। तो पलटे से दबा दबा के ही पराठे को बनाइएगा, तो उससे पराठे का कलर और लुक दोनों ही बहुत प्यारा आता है। तो ये देखिए सारा पराठा हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, कोई भी एक सब्जी लीजिए। अगर सब्जी नहीं खाने का मन है
तो आप साथ में चाय ले सकते हैं। और इसकी लेयर देखिए किस तरीके से निकल रही है, आप इसमें जितनी लेयर निकालेंगे, चार परत की लेयर है, चारों परत आसानी से निकल जाएगी। और इसको आप सब्जी के साथ या चाय के साथ एंजॉय करिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और बच्चे भी बहुत प्यार से खाएंगे। आप टिफिन बॉक्स में बच्चे के दे सकते हैं, लंच बॉक्स में मतलब, ऑफिस के लिए आप ले जा सकते हैं। ठंडा होने के बाद भी ये पराठा काफ़ी टेस्टी लगता है। सो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रेसिपी पसंद आई फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। चलिए बाय।